हाय गाइस, आज हम लोग देखते हैं कोविड-19 की कौन कौन से वैक्सीन्स अप्रूव्ड हैं इंडिया में। पहला वैक्सीन है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड कहाँ का है? मेनली कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका नाम की एक कंपनी है, वो बनाती है, बट इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक, अब ये वैक्सीन्स किस टाइप की है? ठीक, तो ये वैक्सीन्स जो है, कोविशील्ड जो है, वो एक न्यू टाइप के, न्यू नहीं बोलेंगे, मतलब कि अलग टाइप की टेक्नोलॉजी से बनती है, जिसका नाम है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक, इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, एडिनो वायरस यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा एडिनो वायरस यूज कर रहे हैं? चिंपैंजी का एडिनो वायरस यूज कर रहे हैं। तो उसको हम लोग मॉडिफाई किया गया है। ठीक, इसका कोड नेम है आपका CHAD। ठीक, ये मॉडिफाई किया गया है, और ये क्या करती है कि कोविड-19 की जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उस पर ये इफेक्ट करती है। ठीक, और ये इसका मेन ये है कि ये आपका इम्यून सिस्टम को कि पहले से प्रिपेयर कर देते हैं कि जब आपका कोविड-19 आएगा, वायरस इंटर करेगा, तो वो बेसिकली लड़ सके इससे। ठीक, तो इसका डोजेस क्या है? मेनली दो डोज में हम लोग लेते हैं, 28 डेज के इंटरवल में। अभी फ़िलहाल ने गवर्नमेंट ने चेंज किया है, मोर देन ये बोल रहे हैं कि हम लोग 28 टू अप्रॉक्स 60 डेज के बीच में देंगे कोविशील्ड को। और ये क्या करते हैं, हम लोग IM के रूट में देते हैं, मेनली डेल्टॉइड मसल में। ठीक, ये वैक्सीन जो है कितना डिग्री में सर्वाइव करती है? तो ये वैक्सीन जो है 2 to 8 degrees Celsius में सर्वाइव करती है। ठीक, इसके एफिशिएंसी कितना है? हालांकि थर्ड फेज का ट्रायल पूरा हो गया है, उसमें देखा गया कि इसका एफिशिएंसी जो है 70 to 80% है, 70 to 80% दिखाया गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो वैक्सीन है, वो है कोवैक्सीन। ठीक, तो कोवैक्सीन कौन से कंपनी बनाई? ये मेनली हम लोग का इंडिया का अपने वैक्सीन है, जो कि डेवलप की गई है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक की कंपनी है, जो कि ICMR और NIV, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिल करके बना रही है। ठीक, अब ये वैक्सीन्स किस टाइप के हैं? ठीक, तो इसमें ना हम लोग मेनली डेड स्ट्रेन लेते हैं वायरस का, लेते हैं, ये लोग डेड स्ट्रेन लिए हैं। ठीक, तो वो स्ट्रेन का नाम क्या है? 20-20-770 स्ट्रेन। ठीक, ये स्ट्रेन हम लोग लिए हैं मेनली इसमें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ये 20-20-770 स्ट्रेन है ना, इसको हम लोग इनएक्टिवेट कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग इसको इंजेक्ट करते हैं। सेम टेक्नोलॉजी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं रेबीज में।
पोलियो में और जापानीज इंसेफ्लोपैथी में। ठीक, सेम टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसका डोजेस क्या है, ये भी दो डोज में लेते हैं, ठीक, और इसको हम लोग 28 डेज के इंटरवल में लेते हैं। इस वैक्सीन का खासियत क्या है ना कि ये आपको 12 इयर्स के एवब में दे सकते हैं, ठीक, ये 12 इयर्स के एवब में दे सकते हैं हम लोग वैक्सीन। और जो कोविशील्ड है वो हम लोग देते हैं 18 प्लस में। ठीक, ये हो गया। अब ये भी जो वैक्सीन है वो भी आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में हम लोग सर्वाइव करते हैं। और इसका एफिशिएंसी कितना है, इसका एफिशिएंसी अप्रोक्स 81% है, 81% का एफिशिएंसी है इसका। ठीक, मेनली जो इंडिया में जो प्राइस रखा गया है दोनों ही वैक्सीन का वो है आपका 250 रुपीज़ है प्राइस। ठीक, ये भी हम लोग देते हैं आईएम रूट में, डेल्टॉइड मसल में। ठीक, अब आता है नेक्स्ट वैक्सीन। ये वैक्सीन अभी जस्ट मंडे को अप्रूव की गई है और इसको बनाती कौन है, गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, आपका इसको बनाती है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाती है और ये कहाँ, रसिया का वैक्सीन है। ठीक, ये रसिया का वैक्सीन है, ये भी सेम टेक्नोलॉजी यूज किया है, कोविशील्ड की जैसा। ठीक, सेम टेक्नोलॉजी यूज किया है ये कोविशील्ड की जैसा, बट इसका खासियत क्या है ना, ये भी हम लोग दो डोज में देते हैं, बट जो पहला डोज रहता है वो रहता है एडिनो वायरस 26 पर बेस्ड। ठीक, और जब 21 डेज बाद हम लोग सेकेंड डोज देते हैं, ठीक, 21 डेज बाद हम लोग सेकेंड डोज लेते हैं, जो दूसरा डोज रहता है वो रहता है एडिनो वायरस 5 के ऊपर। ठीक, इसमें मतलब कि दो डोज दिया जा रहा है और दोनों ही सेपरेट डोज दिया जा रहा है, और पहला जो दो वैक्सीन है ना उसमें सेम डोज हम लोग को मिल रहा है, इसमें सेम डोज दे रहे हैं और दोनों ही 28 डेज एवब के इंटरवल में हम लोग दे रहे हैं। तो मेनली ये इसका खासियत है। इसका सबसे बड़ा अभी के हम लोग के समय प्लस पॉइंट क्या है कि इसका एफिशिएंसी रेट है 91.6%। देखा यह कि ये 91.6% एफिशिएंसी दे रहा है। दूसरी बात कि ये यूके जो स्ट्रेन है उसमें बोला गया है कि ये 100% इफेक्टिव है विदाउट मोर्टिलिटी। ठीक, विदाउट मोर्टिलिटी ये 100% इफेक्टिव है। दूसरा खासियत ये है कि ये अवेलेबल जो है दो वेरिएंट में है। ठीक, दो वेरिएंट में क्या क्या है, एक तो ये नॉर्मल वेरिएंट है, ठीक, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, दूसरा जो है वो कोल्ड स्टोरेज पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक, दोनों को ही हम लोग 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, मेनली लिक्विड फॉर्म को हम लोग कर सकते हैं, और जो पाउडर्ड फॉर्म है उसको हम लोग वो इजी टू कैरी होगा
और उसको ज़्यादा इजिली हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं और इंजेक्ट कर सकते हैं। ये भी IM में देते हैं, डेल्टोइड मसल में देते हैं। ठीक, ये अभी अभी अप्रूव किया गया, कोशिश किया जा रहा है कि Q4 तक इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए इंडिया में। और ये इंडिया में कौन सी कंपनी बना रही है? टू डॉक्टर रेडी, ठीक, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो इसको बना रही है। इसका कॉस्ट देखा जा रहा है $10 अप्रॉक्सीमेटली, हम लोग देखें तो 700 रुपीज़ ये है, बट ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, 91% इसका एफिशिएंसी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी कोवैक्सीन जो मिल रही है वो ख़राब है, कोविशील्ड जो मिल रही है वो ख़राब है। ऑल्दो कोवैक्सीन का 81% एफिशिएंसी है तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो, बट आज के समय आपको कोई भी वैक्सीन जो मिल रही है आप सारी वैक्सीन लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो कंप्लीट इफ़ेक्टिव नहीं है। मगर जब आपको कोविड होगा ना, तो उसको क्या करेगा कि मतलब वायरल लोड को डिक्रीज कर देगा, वायरल लोड डिक्रीज हो जाएगा। तो वायरल लोड अगर डिक्रीज हो गया ना, तो मोर्टिलिटी का चांसेस कम हो जाता है, मोर्टिलिटी चांसेस डिक्रीज हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।